दुनिया आज तकनीकी क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुकी है। आधुनिकता के इस दौर में हर दिन कोई ना कोई नया आविष्कार होता रहता है जो हमारे जिंदगी को और भी आसान बनाने का काम करता है। हालांकि तकनीक के क्षेत्र में जापान ने जितनी प्रगति की है शायद ही उतनी प्रगति किसी और देश ने की होगी, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में कुछ चीजें ऐसे भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलती हैं। दूसरे देशों में उन चीजों को देखना भी दूभर हो जाता है। आइए जानते हैं तकनीक से जुड़ी उन चीजों के बारे में जो केवल जापान में ही मिलती है। वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह ही एक मशीन होती है। भारत में इसका इस्तेमाल लगभग एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स निकालने के लिए होता है। इस मशीन में पैसे डाले जाते हैं और जरूरत के मुताबिक जो चीजें चाहिए उसका बटन दबा दिया जाता है। लेकिन जापान में मौजूद वेंडिंग मशीन सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तक ही सीमित नहीं है। इस मशीन से रोजमर्रा की हर चीज से लेकर कपड़े जूते जैसी चीजें भी निकाली जा सकती है। जापान में वेंडिंग मशीन हर गली चौराहे में देखने को मिल जाएगी। हीटेड कार्पेट। अक्सर सर्दियों के मौसम में फर्श ठंडे रहते हैं जिन पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जापान के लोगों ने एक ऐसे कार्पेट का आविष्कार किया है जिसे बिजली की मदद से गर्म किया जा सकता है और सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल गर्माहट के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही यह कार्पेट वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है। बिना पानी का वॉशिंग मशीन। जापान के लोगों ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिसमें कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस मशीन में केमिकल पाए जाते हैं जो कपड़ों को साफ करने और कपड़ों पर मौजूद बैक्टीरिया को मारने में मददगार साबित होते हैं। कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान के लोगों ने एक ऐसे कीबोर्ड का आविष्कार किया है जो ड्रम सेट की तरह दिखता है। इसका आकार गोल है। गोलाकार होने के कारण इस ड्रम सेट को स्टिक से भी चलाया जा सकता है, लेकिन यह कीबोर्ड सिर्फ जापान में इस्तेमाल होता है क्योंकि यह जापानी भाषा में बनाया गया है। घुमावदार ट्रेन सीट। कई बार लोगों को ट्रेन में सफर करने के दौरान घबराहट, बेचैनी और उल्टी आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके निजात के लिए जापान में टर्निंग ट्रेन सीट का आविष्कार किया गया है। जापान के ट्रेनों में भीड़ ज्यादा होती है जिसके बाद लोगों को मोशन सिकनेस भी होने लगती है, जिसे देखते हुए वहां ऐसी सीट्स इंस्टॉल की गई जो किसी भी दिशा में घूम सकती है। इसके साथ ही भीड़ बढ़ने पर यह सीट फोल्ड भी हो जाती है। टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग। यह बिल्डिंग बेमिसाल तकनीकी की एक जीता जागता उदाहरण है। इस बिल्डिंग के अंदर हानशेन एक्सप्रेसवे नामक एक हाईवे गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच विवाद के चलते यह रास्ता निकाला गया है। दोस्तों कैसी लगी है जानकारी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स द्वारा अवश्य बताएं और इसी तरह के रोचक जानकारियों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।